नमस्कार दोस्तों, बिजनेस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे मशीन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आप एक साथ बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। उस मशीन का नाम है आटा चक्की मशीन। दोस्तों, इस मशीन से जो है आप आटा की पिसाई कर सकते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, चना, दाल, और जैसे कि इसमें दोस्तों मसाला की भी पिसाई कर सकते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च हो गया, और इसके अलावा जो गीला दाल होता है उसकी भी पिसाई आप इसमें कर सकते हैं, और साथ ही जैसे शादी पार्टी वगैरह में जो सूप वगैरह बनता है उसकी भी आप इसमें जो है जैसे कोल्ड लिक्विड फॉर्म में रहता है उसकी आप जो है इसमें पिसाई कर सकते हैं, और साथ ही जड़ी बूटियों की भी पिसाई जो है दोस्तों आप आटा चक्की से ही कर सकते हैं। और आजकल एक नया बिजनेस जो है दोस्तों हमारे सामने उभर कर आ रहा है, जैसे कि काउ डंग से जो पाउडर से जो दोस्तों बहुत सारे प्रकार के जो भी मतलब डिजाइनें बनती, जैसे कि दिया हो गया, और हो गया दोस्तों मूर्तियाँ वगैरह हो गया, अगरबत्ती, धूप बत्ती हो गया, और क्वाइल हो गया, तो वो सब जो चीज़ें हैं दोस्तों कंडे से जो पाउडर बनता है उसके द्वारा बनता है, तो वो कंडे के जो पाउडर जो बनाया जाता है दोस्तों वो भी आटा चक्की के मशीन से बहुत आसानी से बन जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो आटा चक्की की मशीन से जो है दोस्तों आप एक साथ बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आटा चक्की की मशीन का परिचय, और साथ ही दोस्तों इस मशीन से आटा की पिसाई को, मसाला की पिसाई को, और गीला दाल की पिसाई को, और जो कंडे की पिसाई, इसको मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम आपको मसाला पीसते हुए लाइव दिखाते हैं। ज्यादा ये हुई कैसे सादा दिखेगा। नहीं दादी, हमारे पीला दिखा दे। बिजनेस की कमाई की बात करें तो इसको आप दो तीन रूप से कमा सकते हैं, दो तीन तरीके से कमा सकते हैं। जैसे कि ग्राहक आपके पास हल्दी ला रहा है तो आप उसका पिसाई चार्ज दे करके कमा सकते हैं, या फिर आप स्वयं हल्दी को पीस करके मसाला का पैकेट बना करके उसको बेच सकते हैं। जैसे हल्दी का जो है प्रति केजी जैसे आप 15 रुपए या 20 रुपए के हिसाब से उसको अपने प्राइस रख सकते हैं। कंपटीशन के आधार पर ये होता है, जैसे आपका कोई कंपटीशन नहीं है तो आप 20 रुपए प्रति किलो ले सकते हैं, या यदि ज्यादा कंपटीशन है 15 रुपए के आसपास रख सकते हैं। यदि आप एक दिन में 20 किलो की पिसाई करते हैं तो लगभग एक महीने में आप 25 से 30 हजार रुपये आराम से कमा सकते हैं।
तो इस मशीन के ऑपरेटिंग को लेकर के चलते हैं। तो ये जो हमारे पास मशीन है, ये जो है मार्शल कंपनी की मशीन है और 3 HP का मशीन है, और देखिए सिंगल फेस मशीन है। इसको आप कॉमर्शियल रूप में या फिर घरेलू कनेक्शन में भी चला सकते हैं। कॉमर्शियल करने का मतलब इसके लिए क्या है, एक अलग से मीटर लगाना पड़ेगा, और आपका जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट है, यदि आपका बिजनेस को बड़े पैमाने में खोलना चाहते हैं तो कॉमर्शियल या हेवी ड्यूटी मशीन का उपयोग करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या है 2-3 मशीन के रूप में आप बड़े पैमाने के रूप में चला सकते हैं। तो देखिए ये जो मशीन है, इसके नीचे पैडल में जो है क्या है, इसमें चक्के लगे होते हैं, जिससे इसको आसानी से क्या है, आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से इसको ले जा सकते हैं। अब इसमें देखिए ये है इसका हाफर, और ये जो है इंडिकेटर है जो कि करंट को की रेटिंग को बताता है, और ये जो क्या है इसका एडजस्टमेंट है, ये क्या है मशीन की स्पीड को सेट करने का है। मशीन की जाली है जो कि कंपनी के द्वारा दिया गया है, ये 0 से 7 नंबर की जालियां हैं जो कि अलग अलग पिसाई के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आइए मशीन की जाली को किस प्रकार से चेंज करते हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो स्क्रू है इसको खोलना है, इसके बाद ये गेट को ओपन कर देंगे, और इसके अंदर में देखते हैं कि ये जो स्टील है ये पूरा राउंड में घूम रहा है, और यहाँ पर जो जाली है उसको बहुत आराम से हम निकाल लेते हैं। इसके बाद देखो इसको, ये जो जाली है इसके जो छेद है बड़े दूर दूर है, अब इसमें आप दूसरा जो जाली है इसमें देखो इसके छेद बहुत नजदीक नजदीक में है, तो हम इसमें क्या बारीक पिसाई के उपयोग में लाते हैं, और इस जाली को जो पहले से लगा हुआ था ये खुरदुरा पिसाई के लिए है। तो इस प्रकार से इस जाली को क्या कर सकते हैं, हम आराम से चेंज कर सकते हैं। तो इस जाली और इस प्रकार से इसका ढक्कन को क्या है लगा देते हैं। दोस्तों इस मशीन के साथ एक बड़ा हाफर भी आता है, इसमें क्या है गिली लाल, हल्दी, मिर्च और बड़े बड़े जो आकार के जड़ी बूटियां होती हैं उसको पिसाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको फिट कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको निकालना है, तो दोस्तों आइए इस हाफर को लगाते हैं। देखिए ये जो इसका निचला हिस्सा जो है इसके सांचे में हम इसको आराम से बैठा देते हैं, इसको बराबर ऐसे रखना है और आराम से नीचे लाना है, और वो ऑटोमेटिक क्या है अपने जगह में बैठ जाएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये देखिए ये अपने जगह में जो है बैठ गया। ये जो दिख रहा है ये स्पीड को एडजस्ट करता है, इसको ऊपर नीचे करने से इसका स्पीड जो है वो है एडजस्ट होता है। दोस्तों इस मशीन की अगर मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें में जो है साफ सफाई की आवश्यकता पड़ती है, इसको बीच बीच में क्या है साफ सफाई करते रहना चाहिए, और इसमें अगर कहा जाए तो खर्च में क्या है इसका बिजली बिल है जो कि अगर प्रतिदिन 8 घंटा चलाते हैं तो 1 महीने का जो बिजली बिल है वो 700 से 800 के करीब आता है। दोस्तों इस बिजनेस की लागत की बात करें तो ये जो मशीन है ये 25,000 रूपए की है, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उसके लिए आपको 1,000 रूपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा, और बिजली विभाग से इसके लाइसेंस में 2,000 रूपए की जरूरत पड़ेगी, और इस मशीन के साथ एक तराजू की आवश्यकता होती है जो कि मार्केट में 500 से 1,000 रूपए में उपलब्ध है। अब हम इसकी टोटल जो लागत है उसकी बात करें तो इस बिजनेस में आपको 30,000 रूपए के करीब खर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों यदि इस बिजनेस की मार्केटिंग की बात करूं तो इसके लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है, जो कि जैसे कि आप गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं वहां की चौक चौराहों पर आप क्या है छोटे छोटे पंपलेट के रूप में चिपका सकते हैं, या फिर आप बैनर बनवा करके उसको वहां पर टंगवा सकते हैं ताकि लोगों को जानकारी होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा आटा चक्की मशीन से रिलेटेड जो बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दिया है वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों इसी प्रकार का बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले से अपलोड करके रखे हुए हैं, एक बार हमारे चैनल को अवश्य विजिट करें। धन्यवाद।